हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। आज का वीडियो काफ़ी खास है कि जो आईआईटी मद्रास है इसके द्वारा जो है कि बिना ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम के आपको बैचलर डिग्री में एडमिशन मिल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। जो आईआईटी जेई का एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, मेन्स एडवांस, उसको दिए बिना भी आपको आईआईटी मद्रास में डिग्री में एडमिशन मिल जाता है। उसका एक कोर्स है, उसके एलिजिबिलिटी के बारे में बताएंगे। फ्लेक्सिबल कोर्स क्या है, जो आप 1 साल बाद 2 साल बाद डिग्री डिप्लोमा में पाते हो शॉर्ट टर्म का, उसके बाद फाइनल करने के बाद आपको बीएड डिग्री मिलती है। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं, उसका प्रोग्राम फीस क्या है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, और इसको करने के बाद आपको करियर की क्या अपॉर्चुनिटी है, इन सभी के बारे में डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि अभी जो कि आपका आईआईटी मद्रास से बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स 4 ईयर का पूरा प्रोग्राम है, ये लॉन्च किया गया है। बीएस इन इलेक्ट्रॉनिक्स लॉन्च किया गया है 4 ईयर का। ओके, 4 ईयर का लॉन्च किया गया है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या है, ओवरव्यू क्या है। देखिए, ये नया कोर्स है आपका 4 साल का, बैचलर ऑफ साइंस है 4 ईयर का। ठीक, ओके। ये आपका स्किल ग्रेजुएट आपको बनाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसकी कोई एज लिमिट नहीं, आप किसी भी एज के हो कर सकते हैं। जिनका 12वीं के इक्विवेलेंट में आपका एजुकेशन हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ जरूर पढ़े हों। ओके, और यह आपका डिलीवरी जो होगा, आपका ऑनलाइन एजुकेशन होगा। आप कहीं भी घर बैठे, विदेश बैठे, कहीं से रख इस पढ़ाई को कर सकते हैं। इसका जो फाइनल एग्जाम होगा वो किसी सेंटर पर होगा नज़दीक के, आपके शहर के आसपास जो होगा वहाँ पर होगा, इन पर्सन से बोला जाता है। ठीक, लैब होगा वो सिर्फ आईआईटी मद्रास में होगा, कहीं और पे नहीं होगा। मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन है, मतलब आप 1 साल बाद छोड़ दें तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, उसके आगे वो करते हैं तो आपको बैचलर ऑफ साइंस मिलेगा। ठीक, अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी जो आपका है, तो आपका 12th पास होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट में डिप्लोमा हो या जो कुछ प्रोग्राम होता है, NIOS का हो या वोकेशनल एजुकेशन का हो, जो भी आपका 12th के आसपास ही एजुकेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिजिक्स और मैथ भी पढ़े होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि क्या 11th के स्टूडेंट इसमें भाग ले सकते हैं। जी हाँ, इसमें आप भाग ले सकते हैं, क्वालिफाई एग्जाम होता है उसे क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एडमिशन 12th पास के बाद ही होगा एडमिशन। मतलब आप 11th पास करके इस क्वालिफिकेशन को पास कर लेंगे, जो इसका तरीके से क्वालिफायर एग्जाम होता है उसे पास करेंगे, लेकिन एडमिशन नेक्स्ट ईयर लेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं इसका फ्लेक्सिबल प्रोग्राम क्या है। जैसे आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्वालिफायर असाइनमेंट करेंगे, 1 महीने का आपको पढ़ाई होती है, उसके बाद आपको टेस्ट दिया जाता है कि आप इस पढ़ाई को पढ़ने लायक हो या नहीं। ठीक, जब उस कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा आपका, फिर आपको एडमिशन की परमिशन मिलती है। तो फाउंडेशन कोर्स में आपका एडमिशन होता है, इसका पूरा 10 सब्जेक्ट होते हैं लगभग, इसको पढ़ के आप पास कर लेंगे तो आपको फाउंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है, इसके बाद आप इस फाउंडेशन सर्टिफिकेट पा सकते हैं। उसके आगे की पढ़ाई करते हैं तो आपको नेक्स्ट आपको 1 साल देना पड़ेगा, आपको डिप्लोमा मिलेगा आईआईटी मद्रास की तरफ से। ओके, उसके बाद फिर उसके आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको एग्जिट विथ बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलेगा। ओके, इस तरीके से इसका 3 लेवल है, या जो भी आप जहाँ तक पहुँचेंगे वो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपको बताते हैं लर्निंग कंपोनेंट। जी हाँ, आपको ऑनलाइन क्या क्या बताया जाएगा। ऑनलाइन आपको वीडियो क्लास रहेंगी, पढ़ने की चीज़ें मिलेंगी, लाइव सेशन रहेगा और असाइनमेंट रहेगा। ठीक, इन पर्सन, मतलब आसपास का कोई आपको सेंटर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको क्या होगा, क्यूज होगा। ठीक है, लेकिन जो लैब होगा वो आपको आईआईटी मद्रास में होगा। तो 2 तरीके से यहाँ पे लर्निंग है, ऑनलाइन है और इन पर्सन है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं नेक्स्ट आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है। जी हाँ, एडमिशन प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब आपको मार्च चल रहा है, 15 तारीख अभी शुरू नहीं हुआ, जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट रहेगी 20 जून। जी हाँ, लास्ट डेट आपका कन्फर्म है, अभी एडमिशन डेट कन्फर्म स्टार्टिंग डेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्म में लॉगिन करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब उसमें 4 वीक 1 महीने का आपको क्या होगा, वीडियो कंटेंट मिलेगा पढ़ने को, उसका असाइनमेंट वीकली बेसिस रहेगा, उसे आप सबमिट करोगे। उसके बाद आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, एग्जाम सेंटर पे जा करके, ऑनलाइन आपको मिल जाएगा सेंटर, वहाँ जाकर एग्ज़ाम देंगे। मिनिमम स्कोर को आप ज्वाइन कर प्राप्त करोगे, उस प्राप्त करने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे एडमिशन के लिए। तो पूरे 4 स्टेप्स हैं एडमिशन का। ओके, फीस स्ट्रक्चर क्या है बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आप फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 88,000 रुपये लगेगा। जी हाँ, आईआईटी की डिग्री है तो इतना पैसा तो लगेगा ही। ओके, अब इसके बाद अगर आप तो एक कोर्स करने के बाद छोड़ देते हैं, टोटल की फीस रहेगी 88,000 रहेगी। लेकिन उसके आगे आप पढ़ते हैं, डिप्लोमा भी करते हैं, उसके आगे जब डिप्लोमा करते हैं उसका स्टेप्स को,
दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 2,56,000 रुपये। ठीक, उसके आगे भी पढ़ते हैं तो जो BA की डिग्री है वो आपको 3 लाख इतने की है, मतलब एक एक स्टेप्स हैं। ठीक, जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, एक एक स्टेप होता है, तब इसको करते हैं तो टोटल मिला के कितना जाएगा आपके, 5,92,000 रुपये। ठीक, ये टेंटेटिव है। हालांकि जो इसमें बताया गया है एजुकेशन लोन मिलेगा आपको, आप IT की साइट पर जाएंगे, IT मदरसे साइट पर, वहाँ पे ब्रांच मैनेजर का नंबर दिया गया है, उनसे संपर्क करके आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तब जब आपका एडमिशन कन्फर्म हो तब। ठीक, क्वालिफायर एग्जाम आपका कन्फर्म हो तब। ओके, करियर ऑप्शन क्या है, करियर ऑप्शन के पास ये है कि आप ऑटोमोबाइल, सेमी कंडक्टर, डिफेंस, इन सब फील्ड में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलपर, ओके, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर स्पेशलिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इंजीनियर व इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंजीनियर, इन सभी पोस्टों को आप अच्छे से तरह काम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन हो, सस्पेंस हो, तो आप यहाँ पे फोन नंबर भी दिया गया है, और जो है कि फोन नंबर भी दिया, ईमेल आईडी दिया गया है, यहाँ से पूछ सकते हैं किसी भी सस्पेंस को लेकर। ओके, मिलते हैं किसी और वीडियो में, अधिक जानकारी के लिए बता दें आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे आप ओपन करके साइन अप करिए, उसके बाद हमसे भी कोई भी सवाल कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे कई कोर्सेज अवेलेबल हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको काफ़ी समझ आया होगा, जो हमने यहाँ बताने की कोशिश की है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होता है, फ्लेक्सी प्रोग्राम क्या है, ऑनलाइन इन पर्सन क्लासेस क्या होती है, प्रोसेस फी क्या है और एडमिशन फी क्या है, प्रोग्राम फी और एडमिशन फी क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है और लोन्स के बारे में क्या अवेलेबिलिटी है। ओके, तो पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, और ये जानकारी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्लासमेट को जरूर बताएं, ग्रुप में, फेसबुक में जरूर बताएं, टेलीग्राम में बताएं, ताकि लोगों को अधिक अधिक जानकारी मिल पाए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन के लक्ष्य में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।